Assalamu alaikum to all my dear students. How are you all? I hope you all are well, staying home. Students, today in this video I am going to explain you class 3, unit 6, train and poem number 8, what's in the mailbox. Ye jo dono poem hai, uske choose the correct option mein aapko explain karungi, as well as essay writing mein aapko explain karungi. See dear beta, aapko ye video mein kya samjhayenge madam? क्लास थ्री की जो पोएम है, पोएम नंबर 6 ट्रेन एंड पोएम नंबर 8 जो है व्हाट्स इन द मेलबॉक्स वो एक्सप्लेन करूंगी. और ये जो दो पोएम है उसके चूज से करेक्ट ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगी, एज वेल एज आपको ऐसे करके एक्सप्लेन करूंगी. ओके बेटा, नाउ सी हियर, पोएम नंबर 6 जो है ट्रेन, उसके चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके बेटा, आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 है. आपने फर्स्ट होगी तो आपने पोएम नंबर 6 यूनिट जो है ट्रेन वो आपने जरूर देखा होगा. उसमें आपने थोड़ा देखा होगा कि ट्रेन जो है वो क्या क्या लेके आती है, पैसेंजर्स, मेल्स, है ना, प्रीसियस लोड्स, और कहाँ कहाँ से गुजरती है, माउंटेन, रिवर एंड प्लेन. सो ये जो पोएम है उसके बेस के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन है. सो आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन पता लिख करना है अच्छे से, उसके बाद उसके ऑप्शन जो है वो प्रॉपरली लिख करना है, और उसके बाद आपको जो उसका आंसर है वो फाइंड करना है. सीरियल नंबर 1, हियर कम्स द बेस्ट. तो कितने ऑप्शंस ऐसे हैं बेटा जिसमें मैंने आपको सिर्फ पोएम की लाइन दी है, तो आपको पोएम की लाइन भी दे सकते हो और यहाँ पे साथ में कंप्लीट करना है. ओके, नंबर 1 में हियर कम्स द बेस्ट, ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी ट्रेन एंड ऑप्शन सी ऑटो. सो हम लोग ऑब्वियसली कौन सा लाइन देख रहे हैं, ट्रेन का. सो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा बेटा, ट्रेन. आपको इसको सर्कल करना है या आप टिक कर सकते हो, और आपको आपको डैश में क्या लिखना है, ट्रेन. ओके बेटा, नंबर 2 है कैरी बैग्स, जो ट्रेन है वो अपने साथ क्या लेके आ रही है. ऑप्शन ए पैसेंजर्स एंड मेल, ऑप्शन बी एरोप्लेन, ऑप्शन सी बीज. तो आपका आंसर रहेगा बेटा पैसेंजर्स एंड मेल. क्या लेके आ रही है वो, पैसेंजर्स एंड मेल. जो यहाँ पे डैश दिया गया है तो आपको क्या लिखना है बेटा, पैसेंजर्स एंड मेल, है ना. ओके, नाउ नंबर 3 है ट्रेन ब्रिंग्स डैश लोड्स. कैसे लोड्स लेके आती है ट्रेन, ऑप्शन ए प्रीसियस, ऑप्शन बी वैल्यूलेस एंड ऑप्शन सी डार्कनेस. सो ऑब्वियसली आपका आंसर प्रीसियस रहेगा. प्रीसियस दैट मींस कितनी चीजें हमारे लिए लेके आती है. यहाँ पे डैश में आपको क्या लिखना रहेगा, ऑप्शन है बस, ट्रेन एंड ऑटो. आपका आंसर रहेगा ट्रेन. सो हियर कम्स द ट्रेन. नंबर 2 कैरी डैश, अब यहाँ पे ट्रेन क्या लेके आ रही है, पैसेंजर्स एंड मेल, एरोप्लेन और बीज. तो आपका आंसर रहेगा पैसेंजर्स एंड मेल. सो आपको डैश में क्या लिखना है, पैसेंजर्स एंड मेल. नंबर 3 है ट्रेन ब्रिंग्स डैश लोड्स. ट्रेन क्या लेके आती है, ऑप्शन ए प्रीसियस, ऑप्शन बी वैल्यूलेस एंड ऑप्शन सी डार्कनेस. तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, प्रीसियस. आपको कहाँ पे सर्कल करना है, प्रीसियस. अगर डैश भी दी है तो आपको डैश में अच्छे से आंसर लिखना है. सो आई होप आपको थ्री ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन समझ में आया है बेटा. हम लोग आगे का जो से करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, अगर एग्जाम में आता है तो अच्छे से आपके पास जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली रीड करना है, माइंड में अच्छे से आपको उसके ऑप्शन देने हैं, और उसके बाद ही आपको क्या करना है बेटा, उसके आंसर करेक्ट करने हैं, सर्कल करना है. ओके, आपको चूज करना है. नाउ नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट. बेटा मैंने जब आपको पीडीएफ भेजा था उसमें मिट्टी मीनिंग्स दिए गए हैं, उसमें आपको ये आपको क्वेश्चन दिखाई देगा डस्ट. यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है द, बी लाइट एंड थ्री सनलाइट. आपका आंसर क्या है बेटा, यहाँ पे डैश नहीं दी गई है, सो आप डायरेक्टली इसके ऊपर सर्कल कर सकते हो या टिक कर सकते हो. सो दस का मीनिंग क्या रहेगा बेटा, डैश. नंबर 5, हु इज द पोएम ऑफ द पोएम ट्रेन. ये जो पोएम है ट्रेन, उसके पोएम जो है वो कौन है. ऑप्शन ए जेम्स एस्टीपेट, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ एंड ऑप्शन सी शेक्सपियर.
ये तीन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट आंसर है, तो आपको आंसर करेक्ट करके फाइंड करना है, आपका आंसर फाइंड करना है, उसके बाद उसको चूज करके लिखना है। बेटा यहाँ पे डैश नहीं दी गई है, बट आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए जेम्स एस चिकन। तो आप इस रूप में क्या करना है बेटा, सत्तर कर सकते हो या तीन कर सकते हो। ओके बेटा, नंबर फोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट, डस्ट का मीनिंग क्या है बेटा, दाग। सो दाग के ऊपर आपको सर्कल करना है। नंबर फाइव, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ट्री, ट्री की जो पोएम है उसके पोएट कौन है। सो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जेम्स एस चिकन पे सर्कल करना है, ये जो है वो ट्री पोएम के पोएट। अब आपको समझ में आ गया होगा ये नेम सिक्स ट्री की जो पोएम है उसके चूज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स प्रोसीड टू यूनिट ए, व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। अब यहाँ पर हम लोग कौन से पोएम का चूज द करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, यूनिट ए जो है उसके चूज द करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे यूनिट ए, व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको क्या करना है, ऑप्शन को प्रॉपरली रीड करना है और उसके बाद ही आपको क्या करना है, आंसर को फाइंड करना है। ओके, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर वन, द पोस्टमैन कम्स विथ डस्ट, पोस्टमैन अपने साथ क्या लेके आता है। ऑप्शन ए लेटर्स, ऑप्शन बी वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी चॉकलेट। सो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, पोस्टमैन अपने साथ क्या लेके आता है, लेटर्स। सो आपको डेस्ट में क्या लिखना है, लेटर्स। ओके, क्या लिखना है आपको, ऑप्शन यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है आपको, लेटर्स। ओके, ये एस साथ में लिखना है। ओके बेटा, लेटर्स। नंबर टू, द लेटर्स ऑलवेज कम्स फॉर डेस्क, जो पोएम आपने एक्सप्रेशन जरूर देखा होगा है ना, ये जो पोएम थी व्हाट्स इन द मेल बॉक्स उसके एक्सप्रेशन आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो लेटर्स है वो कभी बॉय के लिए नहीं आते थे, जो चाय था उसके लिए नहीं आते थे, वो जो लेटर्स है हमेशा किसी के लिए आते थे, वो आपको जरूर याद होगा। ऑप्शन ए है ब्रदर एंड सिस्टर, ऑप्शन बी है मदर एंड डैड, एंड ऑप्शन सी है आंटी एंड अंकल। सो उसका जो आंसर है बेटा, उसका आंसर ए है मदर एंड डैड। सो लेटर्स ऑलवेज कम फ्रॉम मदर एंड डैड, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो मदर एंड डैड, यहाँ पे डैश दी गई है ना। नंबर थ्री, द बॉय इज राइटिंग द लेटर टू हिज डैड, ये जो बॉय था जो चाइल्ड था व्हाट्स इन द मेल बॉक्स के अंदर, जो बॉय था जो चाइल्ड था वो किसको लेटर लिखता है, क्योंकि उसको लेटर नहीं आते हैं, सो वो अपने आपको लेटर पाने के लिए क्या करता है, देखो वो किसको लेटर लिखता है। ऑप्शन ए ब्रदर, ऑप्शन बी सिस्टर, एंड ऑप्शन सी है फ्रेंड। सो उसका आंसर क्या है, जो बॉय है उसको लिखता है लेटर फ्रेंड। सो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डैश में एफ आर आई ई एन डी, अपने फ्रेंड को लिखता है। नंबर वन, द पोस्टमैन कम्स विथ डैश, पोस्टमैन क्या लेके आते हैं अपने साथ, लेटर्स। ओके बेटा, नंबर टू, द लेटर्स ऑलवेज कम फॉर डैश, सो मदर एंड डैड। नंबर थ्री है, द बॉय इज राइटिंग द लेटर टू हिज डैश, जो बॉय था वो किसके लिए लेटर लिखता था, अपने फ्रेंड के लिए। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है बॉक्स के थ्री चूज द करेक्ट ऑप्शन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ पे डैश दी गई है आपको डैश में भी लिखना है, और जहाँ पे नहीं दी गई है वहां से आपको सर्कल कर देना है। ओके बेटा, नाउ लेट्स प्रोसीड टू नंबर फोर, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड फ्रेंड, ये भी मैंने आपको पीडीएफ में दिया था, ऑपोजिट वर्ड दिए थे उसमें ये वर्ड दिया गया था फ्रेंड का, ऑपोजिट क्या है, ऑप्शन ए एनिमी, ऑप्शन बी बेस्ट फ्रेंड, एंड ऑप्शन सी ब्रदर। सो फ्रेंड का ऑपोजिट क्या रहेगा, फ्रेंड का ऑपोजिट रहेगा एनिमी। ओके, क्या है इसका स्पेलिंग, ई एन ई वाई मीन्स दुश्मन, फ्रेंड क्या, फ्रेंड का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से रहते हैं हमारे साथ है ना फ्रेंड, और एनिमी का मतलब क्या होता है, दुश्मन। नंबर फाइव है, विच लेटर्स बेस्ट, ये जो है वो आपकी पोएम की लाइन है उसको आपको कंप्लीट करना है। ओके बेटा, सो विच लेटर्स, कितने लेटर्स अपने साथ लेकर आता है, ऑप्शन ए फोर, ऑप्शन बी सिक्स, एंड ऑप्शन सी फोर एंड फाइव। क्या है ऑप्शन सी, फोर एंड फाइव।
So, आपको सर्कल कहाँ पे करना रहेगा? ऑप्शन सी 4 and 5. यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डेस्क में क्या करना रहेगा? 4 and 5. 4 and 5 लेटर्स दे दिया आते थे, बट अभी भी बहुत बच्चे के लिए लेटर्स आते नहीं. नंबर 4 है, वंस अगेन, व्हाट इज द ऑपोजिट फॉर ऑफ द वर्ड फ्रेंड? फ्रेंड का ऑपोजिट क्या है? सो ऑपोजिट लिखते हैं, कभी क्रॉस करना है हमें. फ्रेंड का ऑपोजिट है एनी. नंबर 5 है, विच लेटर्स डेस्ट? 4, 6 और 4 and 5. सो आंसर क्या है? 4 and 5. सो आपको डेस्क में क्या लिखना है? 4 and 5. नाउ आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन. यूनिट 6 जो ट्रेन है उसके भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, एज वेल एज यूनिट 8 व्हाट्स इन द मेन ऑप्शन है वो भी आपको समझ में आया होगा. क्या सो नाउ हम लोग आगे देखते हैं ऐसे राइटिंग. यहाँ पे आपको ऐसे राइटिंग किसके ऊपर करना है? पोस्टमैन के. ओके बेटा, बट आपको वो जो ऐसे है वो पॉइंट वाइज लिखना है और बहुत अच्छे से प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है. ओके बेटा, Now let's proceed here. Essay writing. Write an essay in 5 to 7 lines on किसके ऊपर लिखना है आपको? किसके ऊपर लिखोगे बेटा? Postman पे लिखना है, है ना? जैसे आपने पोयम में देखा था मेल कौन सा होता है? Postman. ओके बेटा, सो नंबर 1 पॉइंट आपको क्या लिखना है कि Postman क्या करता है और वो कैसा सर्वर है, है ना? सो नंबर 1 पॉइंट आएगा कि Postman इज अ पब्लिक सर्वर. वो पब्लिक को हर कोई चीज अपने मेल लेटर्स जो है वो पहुंचाता है ना, इसीलिए वो क्या है? पब्लिक सर्वर. पोस्टमैन जो है वो पब्लिक सर्वर है. नंबर 2, ही इज वेरी यूजफुल टू सोसाइटी. वो जो पोस्टमैन है वो सोसाइटी को बहुत यूजफुल है कि वो लेटर्स, मेल, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स लेके आते हैं, पब्लिक के लिए लेके आते हैं. वो अपने आप के लिए काम नहीं करता है, वो दूसरों के लिए काम करता है. नंबर 3, ही वेयर्स खाकी यूनिफॉर्म. जो पोस्टमैन है वो कौन से कलर का यूनिफॉर्म पहनता है? खाकी कलर. नंबर 4, ही डिलीवर्स मेल. वो क्या क्या डिलीवर करता है? मेल, मनी ऑर्डर्स. क्या 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 करता है? मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स टू अस. वो क्या 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 करता है? ही डिलीवर मेल, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स टू अस. वो अपने लिए हमारे लिए क्या डिलीवर करता है? मेल लेके आता है, मनी ऑर्डर लेके आता है, एज वेल एज वो पार्सल्स भी हमारे लिए लेके आते हैं. सी वन सेकंड, पॉइंट नंबर 1, द पोस्टमैन इज कौन सा सर्वेंट है? वो पब्लिक सर्वेंट. वो पब्लिक को हेल्प करता है, उसे हम लोग हेल्पिंग भी कह सकते हैं, है ना? नंबर 2, ही इज वेरी यूजफुल टू द सोसाइटी. से हम लोग पोस्टमैन को हेल्पर भी कह सकते हैं, जो हमें हेल्प करता है. नंबर 2 है, ही इज वेरी यूजफुल टू द सोसाइटी. वो सोसाइटी को बहुत हेल्प करता है, बहुत यूजफुल है. नंबर 3 है, ही वेयर्स खाकी यूनिफॉर्म. जो पोस्टमैन है वो क्या पहन के आता है? खाकी यूनिफॉर्म. नंबर 4 है, ही डिलीवर मेल, मनी ऑर्डर एंड पार्सल्स टू अस. वो क्या क्या लेते हैं अपने साथ? मेल, मनी ऑर्डर जो होते हैं वो, और अपने साथ पार्सल्स भी लेके आते हैं. आपको 3 पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा. पॉइंट नंबर 1 क्या है? वो पब्लिक सर्वेंट है. कौन? पोस्टमैन. नंबर 2 है, वो यूजफुल है सोसाइटी को. नंबर 3 है, वो खाकी यूनिफॉर्म पहनता है. एज वेल एज नंबर 4 में क्या है? वो मेल, मनी ऑर्डर्स और पार्सल्स लेके आते हैं. इसके लिए पब्लिक के लिए. नंबर 5, ही ऑलवेज कैरीज अ बैग विद ही. वो हमेशा अपने लिए एक साथ बैग लेके घूमता है. नंबर 6 है, द पोस्टमैन इज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन. वो हमेशा ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत हार्ड वर्क करता है, कोई भी सीजन नहीं देखता है, है ना? सो नंबर 7 में आएगा आपका पॉइंट, ही ऑल्सो वर्क्स इन द कोल, मीन्स विंटर, ठंडी में भी काम करता है. ही टैपिंग समर में भी हेल्प करता है, और रेन जो है उसमें भी वो अपने आप को हमको हेल्प करता है. किसके लिए हेल्प करता है? हमारे लिए. उसके लिए करता है? नहीं. सो नंबर 5, ही ऑलवेज कैरीज अ बैग विद ही. वो जो पोस्टमैन है वो हमेशा अपने साथ एक बैग लेके घूमता है. नंबर 6 है, द पोस्टमैन इज एन
क्वेश्चन 10. नंबर 7 है, ही ऑल्सो वर्क इन द कोल्ड, दैट मीन्स विंटर में काम करता है, हीट समर में भी काम करता है और गंदी बारिश में भी वो बहुत अच्छे से काम करता है. सो आपका जो ऐसे है उसके कितने पॉइंट्स है बेटा, 7 पॉइंट्स. सो आपको अच्छे से ऐसे याद करना है और एग्जाम में अगर आता है तो आपको प्रॉपरली अच्छे से ओरली करके उसे लिखना रहेगा. ओके बेटा, सो थैंक यू बेटा. आपको कोई क्वेरी है सो आपको आप